ये देखिए इस लड़की को, जोया लड़की को देखिए जरा क्या कर रही है, शरारती तो जोया मेरा पुत्र शहजादे, इधर देखो। हेलो एटीट्यूड चेक करें जरा इसका, मेरे बेबी का ये जूते इसके ये, और ये ऐसे घूमती रहती है सारा दिन, शॉर्ट सारा जीन जातियाँ शर्तियाँ। वो देखिए मैंने ट्राईपॉड स्टैंड रखा हुआ था सुबह सुबह वीडियो बनाने के लिए, मैंने कहा स्टार्ट करते हैं सुबह का नाश्ता वाश्ता करते हैं, तो मेरा बच्चा उठ गया और मेरे बच्चे ने मुझे वीडियो नहीं शूट करने दी, नहीं शूट करने दी मेरे बच्चे ने। अब देखो खुश होती, देख खुश होती देखिए इसको, और बस धूप लग चुकी है आधे सहन में, ये देखें ये आधा सहन धूप लग चुकी है, काम वाम ख़त्म हो गया है, झाड़ू झाड़ू लगा दिए है, और अभी आपसे थोड़ी सी गप्पे शप्पे मारते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? आपकी बहन का गला ख़राब है, और जोया क्या, जोया जोया मेरा बच्चा हेलो बोल दो, हेलो। इसकी शरारतें मैंने आपको चेक रही, ये बहुत शरारती बच्चा हो गया, अब ये सारी तरफ घूमती है और मेरे फेस पे सीधी धूप लग रही है, इस वजह से मैं शायद कैमरे की तरफ ना देख पाऊँ, लेकिन ये कि इन दिनों रूटीन कुछ इस तरह की हुई है कि सुबह काम वाम ख़त्म किए, ठंड होती है जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद जोया आपको पता है बीमार थी पिछले दिनों, उसके अलावा फिर जब बच्चे वापस आते हैं काम शाम ख़त्म करके, झाड़ू पोछी लगा के, फिर हांडी वगैरह बनाना, आटा शाटा गूंदना, करते करते टाइम हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, और फिर बच्चे स्कूल से वापस आते हैं, जब वो स्कूल से वापस आ जाते हैं उनकी स्टडी, फिर ट्यूशन लेना होता है, फिर ट्यूशन से जैसे ही बच्चे जाते हैं तो मगरब जल्दी हो जाती है, उसके बाद वीडियो शूट नहीं हो सकती क्योंकि इतना अच्छा जो लाइटिंग वगैरह है वो नहीं है घर में, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इंशाल्लाह कुछ करूँगी इसका, जल्दी करूँगी, आप लोग भी कहेंगे, रोज़ कहती है करूँगी 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 व्लॉग्स का, लेकिन इंशाल्लाह कुछ अच्छा सोच रही हूँ, कुछ अच्छा लेके आऊँगी आपके लिए, तो बाकी दुआ किया करें, बहन को दुआ में याद रखा करें। मैंने कहा 3 दिन हो गए हैं, शायद 3 हो गए हैं, 4 हो गए हैं व्लॉग नहीं बनाया, व्लॉग क्या आजकल बन रहे हैं, बस कपे ही हो रही हैं और जोया शरारतें कर रही है। आजकल मैं आपको जोया की शरारतें बताती हूँ क्योंकि नई नई शरारतें करने लगी है और हर चीज़ को जाके चेक करती है, जो इसके काम किया जो नहीं इसके काम किया, तो हर चीज़ पे चेकिंग इसकी जारी होती है। जिनके छोटे छोटे बेबी हैं उनको पता होगा कितना अच्छा लगता है जब बच्चे शरारतें करते हैं, और मुख्तलिफ हरकतें करती है, किसी चीज़ से डरती है पहले, इस तरह चीज़ को पकड़ती है, इसकी अच्छा ये आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है, बच्चे होते हैं ना इस तरह पकड़ लेते हैं, ज़्याला फातमा बचपन में कर लेते थे, और ये पैर इस तरह टच करती है चीज़ को, फिर इस तरह पकड़ती है। वो देखिए अभी किधर है, किधर पहुँची हुई है जोया, वो ट्राईपॉड स्टैंड ले लिया, और मुझे रोज़ डांट पड़ती है इसके बाबा से कि आप चीज़ें तड़वा देती हो बच्चों से, बच्चा जो है चीज़ें छोड़ता ही नहीं है, इसको कहीं भी कुछ चीज़ नज़र आई ये ले लेती है, तो मैं उसे ट्राईपॉड स्टैंड फ़ौरन से लेती हूँ और फिर आपसे बात करती हूँ। और दूसरी बात ये धूप लग रही है सीधी, तो मैंने कहा थोड़ा सा उठ जाते हैं, बाकी यही आजकल जोया की शरारतें बता रही होती हूँ आपको, बच्चों की स्टडी पे पूरा फोकस है क्योंकि जब बच्चे आते हैं ना उसके बाद बच्चे बैठ के काम नहीं करते, ज़ियाला भी अब बड़ा हो गया और फातिमा भी, जब तक उन्हें बिठा के रेगुलर रूटीन में काम ना करो, ट्यूशन भी ले रही हूँ और फिर साथ साथ व्लॉग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, इसलिए नहीं बना सकती, लेकिन कोशिश चाहिए इंशाल्लाह इस पर काम करना, दोबारा से रेगुलरली शुरू करूँगी, तब तक मेरी बहनें जो याद करती हैं उनका थैंक यू सो मच। ऐसे इंस्टा पे आके मेरी कुछ बहने हैं, कुछ यूट्यूबर बहने जो पूछी होती हैं क्यों आयशा ब्लॉग वगैरह छोड़ दी हैं, या बस हो गई है, या दी एंड हो गया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह शुरू करूँगी, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा रेस्ट लिए हुआ है बीच में से, क्योंकि क्योंकि बस समथिंग समथिंग तो बस यही था, बहन को दुआ में याद रखना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि इमरान खान के लिए बहुत बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है, अल्लाह पाक उन्हें जल्दी जल्दी से सही आप करें, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे जो है दबंग लीडर हैं वो, और द वन एंड ओनली इमरान खान जो कि अपनी इस हालत में भी आए हैं, जलसा किया है, और आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, दिन रात सुबह शाम न्यूज़, और इमरान खान के लिए डेरो डेर दुआएं, जो जो भी मेरे बहन भाई देख रहे हैं उनके लिए डेरो दुआएं करनी है, अल्लाह पाक ऐसे लीडर रोज़ रोज़ पैदा करे जो अपनी अपने से ज़्यादा, अपने मफाद से ज़्यादा अपनी कौम के लिए सोच रहा है और अपने लोगों के लिए सोच रहा है, शहूर इसने इतना दे दिया है लोगों को कि मैं कहती हूँ ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, और अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए दुआएं मांगें कि इमरान खान को अल्लाह पाक लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, ताकि वो कुछ ना कुछ करके जाएं इस कौम के लिए, कुछ ना कुछ, क्योंकि इतने सालों से ये कौम जो है तरक्की की तरफ तो नहीं गामजन, तो तरकने वाली तरक्की की तरफ जा रही है, जो हम कहते हैं ना चीज़ तरक गई है,
तो बस दुआ करें अल्लाह पाक पाकिस्तान को भी अपने अमान में रखे, हमारे लीडर को भी अपने अमान में रखे और हम सबको भी अपने अमान में रखे। तो इसके साथ ही ब्लॉग का एंड करते हैं, थोड़ी सी जोए की शरारतें आप चेक कर लें। तो बाकी इंशाल्लाह मैं इनको दुआ में याद रखने मिलेंगे किसी ना किसी अच्छे से प्यारे से क्यूट से ब्लॉग में जल्दी ही। तो अल्लाह हाफिज़।